बिहार में समय से पहले मॉनसून की एंट्री हो गई है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 13 जून से मॉनसून के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन एक दिन पहले सोमवार को ही मॉनसून की बारिश राज्य में शुरू हो गई। इससे पहले साल 2006 में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दी थी। लगभग 17 साल बाद फिर से मॉनसून एडवांस में बिहार पर मेहरबान हुआ है। बताते चले आपको कि पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिससे राज्य के 24 शहरों का तापमान कम हो गया। लोगों को हीट वेव और झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली। सोमवार को पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार में मॉनसून दाखिल हुआ। वहीं मॉनसून का करंट इन जिलों में देखा गया। इससे पहले पूर्णिया में रविवार की रात जोरदार बारिश हुई। कुल मिलाकर पूर्णिया में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विज्ञानियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता अभी रहेगी। अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, भागलपुर जिलों में बारिश होगी। यहां वज्रपात और मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। बताते चले कि मॉनसून की सक्रियता से वातावरण में नमी रहेगी। पश्चिम हवा का असर होने के कारण अधिकतम तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मॉनसून का प्रभाव अभी कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर जिला में ज़्यादा देखा जा रहा है। सीमांचल के जिलों में इस प्रभाव से झमाझम बारिश हुई। वहीं भागलपुर, पूर्णिया में मूसलाधार बारिश हुई। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में भी रविवार की रात को लगभग 15 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। शहर में 7 मिलीमीटर, दो आसपास के इलाकों में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून मालदा और पाकिस्तान से होकर गुजरा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि निचले इलाकों में जल जमाव की संभावना है। किसान भाइयों को खेती कार्य में सजग रहने की आवश्यकता है। मॉनसून प्रभावित इलाकों में यातायात और बिजली बाधित हो सकती है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।